तो दोस्तों स्त्री मूवी तो हम सभी ने देखी है, जो कि एक हॉरर कॉमेडी मूवी थी, जिसका सेकंड पार्ट भी ऑलरेडी आने वाला है। और स्त्री के यूनिवर्स में एक मूवी और आ रही है, जिसका नाम है मुंजिया। मुंजिया को स्त्री के मेकर्स ही बना रहे हैं और ये इंडिया की पहली ऐसी मूवी होने वाली है जिसमें एक पूरा CGI कैरेक्टर होने वाला है। इस मूवी का ट्रेलर और टीजर दोनों आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम उसी ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि मुंजिया आखिर है क्या चीज, और तो और मैं इसके कुछ फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा ही, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलने वाले। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इसे एक लाइक कर देना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुंजिया मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं आदित्य सरपोदार, जिन्होंने स्त्री, रूही और भेड़िया जैसी मूवीज बनाई हैं, और अभी हाल ही में इन्होंने स्त्री 2 की शूटिंग भी चालू कर दी है। और इसी हॉरर कॉमेडी जॉनरे की फैन फॉलोइंग को बढ़ता हुआ देख इन्होंने मुंजिया मूवी बनाई है। मुंजिया का टीजर तो बड़ा फनी सा था, लेकिन मुंजिया का जो क्रिएचर दिखाया गया है वो काफी हद तक ठीक था। अब वैसे तो मुझे इतनी खास उम्मीदें इससे है नहीं, और ना मैं कॉमेडी हॉरर देखना पसंद करता हूँ, बट स्टिल इंडियन सिनेमा की तरफ से हमें कुछ न्यू देखने को मिल रहा है, तो इसमें क्या ही बुराई है। मुंजिया के टीजर में हम एक पीपल के पेड़ पे मुंजिया नाम की एंटिटी को देखते हैं, जो कि मुन्नी बदनाम हुई वाला गाना सुनकर ट्रिगर हो जाता है, और जिस घर में वो गाना बज रहा था उस घर के लोगों को वो मार डालता है। यानी कि मुंजिया और मुन्नी का आपस में कुछ तो लिंक है, जिसके बारे में हमें इसके ट्रेलर में पता लग ही गया। ट्रेलर की शुरुआत में हम एक छोटे से आईलैंड को देखते हैं जिसका नाम चेतकवाड़ी था, जिसको लोग शापित मानते थे। वहाँ पे एक पीपल का पेड़ भी शापित है, क्योंकि उसी पेड़ के नीचे मुंजिया की अस्थियां गड़ी हुई है। मुंजिया किसी मुन्नी नाम की लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई, और उसी दिन के बाद से मुंजिया अपने वंशज की तलाश में है, ताकि वो अपनी आखिरी विश पूरी कर सके। उसको उसका वंशज मिल भी गया, जो कि था बिट्टू, जिसको प्ले करा है अभय वर्मा ने। मुंजिया सनसेट के टाइम पर ही आता है, और वो यहाँ से तब तक नहीं जाने वाला जब तक वो अपनी आखिरी इच्छा पूरी ना कर ले, यानी कि मुन्नी से शादी। मुंजिया से छुटकारा पाने के लिए इनको एक आदमी मिल भी गया, जिसको प्ले करा है सत्यराज ने, जिन्होंने बाहुबली में कटप्पा का रोल करा था। शायद से ये मुंजिया को भगा सकते थे, लेकिन उनसे भी कुछ खास बात नहीं बनती। मगर इसके ट्रेलर में हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया गया है, जिसके पास शायद से मुंजिया को हराने की ताकत है, क्योंकि उसके पास एक तलवार थी जिसकी मदद से वो मुंजिया को चोट बचाती है। बाकी इसके अलावा पूरे ट्रेलर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं, सिर्फ कॉमेडी सीन्स ही भरे हुए हैं, जिनको मैं एवरेज कैटेगरी में रखूंगा। मगर इस पूरे ट्रेलर को देखने के बाद कोई ये नहीं बता सकता कि आखिर इस मूवी में हमें क्या देखने को मिलेगा। खैर, अब बात करते हैं कि मुन्नी आखिर है कौन। तो इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हमें 6 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब स्त्री मूवी रिलीज हुई थी। अब अगर आप लोगों को याद हो कि स्त्री मूवी में श्रद्धा कपूर ने बोला था कि वो मेले में किसी को ढूंढते हुए आई है, क्योंकि जिसको वो ढूंढ रही है वो उसका काफी करीबी था। अब वेल करीबी कौन है, तो वो और कोई नहीं बल्कि मुंजिया ही है। हालांकि श्रद्धा कपूर का नाम इस पूरी मूवी में हमें बताया नहीं गया था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मुन्नी ही श्रद्धा कपूर का नाम होगा, क्योंकि मुंजिया और स्त्री दोनों ही मैडो फिल्म्स के अंदर आते हैं। अब जैसा कि स्त्री मूवी आने वाली है और उस मूवी में अच्छा पैसा कमाने के लिए मैडो फिल्म्स वाले पक्का मुंजिया और स्त्री 2 को कहीं ना कहीं लिंक जरूर करेंगे। अब एक आखिरी सवाल कि मुंजिया है कौन। तो ऐसा माना जाता है कि एक इंसान की लाइफ में 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहला तो होता है ब्रह्मचार्य, यानी कि स्टूडेंट लाइफ। दूसरा स्टेज होता है गृहस्थी, यानी कि अपना घर बसाना। तीसरा होता है रिटायरमेंट, और लास्ट में होता है सन्यासी, या फिर कहे सन्यास। और हमारे हिंदू धर्म में एक थ्रेड सेरेमनी भी होती है, जिसको जनेऊ भी कहते हैं। अब किसी आदमी का जनेऊ हो गया हो और उसकी शादी ना हुई हो और वो उससे पहले ही मारा जाए, तो वो आदमी एक मुंजिया बन जाता है। मुंजिया एक पीपल के पेड़ पे पाया जाता है, जहां वो पेड़ के नीचे से गुजरने वाले लोगों को डराता है, लेकिन उनको वो मारता नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को मुंजिया के बारे में कोई भी डाउट नहीं होगा, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अब बात करते हैं मुंजिया के कुछ फैक्ट्स के बारे में। मुंजिया मूवी का बजट 40 से 50 करोड़ रखा गया है। इस मूवी को मुंजिया की जगह पहले मुन्या नाम रखने वाले थे, लेकिन किसी रीजन से इसको मुंजिया कर दिया गया। मुंजिया मूवी को स्त्री मूवी का प्रीक्वल बताया जा रहा था, यानी कि उससे पहले की कहानी, मगर इसकी कहानी अलग ही डायरेक्शन में जाने की वजह से वो भी अब कुछ पक्का नहीं है, और ये मूवी 7 जून को रिलीज होगी।
अब वैसे तो इस पूरी मूवी को इंडिया की सबसे पहली सीजीआई कैरेक्टर वाली मूवी कह के प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन आज से कुछ साल पहले बिपाशा बासु की एक मूवी आई थी जिसका नाम था क्रिएचर 3D, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी एक पूरा सीजीआई क्रिएचर देखा था, लेकिन मुंजिया उससे थोड़ा बेटर है। साथ ही में हम मुंजिया की फेस पे एक्सप्रेशन वगैरह भी देख सकते हैं। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए। अगर ये वीडियो और ये फैक्ट्स पसंद आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और ऐसे ही हॉरर मूवीज का ब्रेकडाउन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना। बाकी और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं आप सभी से बातें करता रहता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।